الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ پچھلے جمعہ میں میں نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا جو قربانی کے وقت میں پڑھی جاتی ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اس کا معنی یہ ہے کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے تو رب العالمین اور اس کی تشریح کرتے ہوئے یاد کیا تھا کہ ایک مومن کے لیے اس کی ساری زندگی اور زندگی کے سارے کام اگر وہ چاہے تو عبادت ہو سکتے ہیں چاہے بظاہر وہ کام دنیا کے کام نظر آتے ہوں ان کا آخرت سے بظاہر کوئی تعلق نظر نہ آتا ہو لیکن اگر بندہ چاہے اور اس میں صحیح نیت کرے تو وہ دنیا کے کام بھی دین کا کام بن جاتے ہیں اور وہ بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں ان پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتے ہیں یہی معنی ہے کہ میرا جینا مرنا میرا جینا مرنا مرنا اللہ کے لیے اس کا ایک طریقہ اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ وسبحوه بکرۃ و اصیلا اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو تسبیح کرو یعنی پاکی بیان کرو صبح و شام یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالی کو کثرت سے یاد کرو کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو یہ فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر کرو مجھے یاد رکھو میری یاد کو اپنے دل میں سماؤ تو کیا ہمارے یاد کرنے سے یا ہمارے اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے اللہ تعالی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے
उसको कोई मजा आता है, उसको कोई लुत्फ आता है। जाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला को तो इन सब चीजों से बेनियाज है। वो ऐसा बेनियाज है कि अगर सारी कायनात मिलकर सारे इंसान सारी मखलूकात उसका जिक्र छोड़ दें तो उसकी शान किबरियाई में हब्बा बराबर कमी नहीं आती, उसकी अजमत और जलाल में कोई हब्बा बराबर फर्क नहीं आता। और सारी कायनात और सारे इंसान सारी मखलूकात हर वक्त सजदे में पड़े रहें और उसको उसका जिक्र करते रहें तो उसके शान किबरियाई में उसकी अजमत और जलाल में कोई इजाफा नहीं होता। वो तो बेनियाज है। ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। क्या माना कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। लिहाजा कोई जिक्र करे या न करे, इबादत करे या न करे, उसकी शान में कोई फर्क नहीं वाकई होता। उसको कोई हमारी इबादत करने से मजा नहीं आता, उसको हमारी इबादत करने से हमारा जिक्र करने से कोई लुत्फ नहीं आता, उसका कोई फायदा इससे मुताल्लिक नहीं है। लिहाजा ये जो हमसे कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह को कसरत से जिक्र करो अल्लाह का, तो ये उसका तो कोई फायदा है नहीं। यकीनन इसका मकसद ये है कि खुद हमारा फायदा, तुम्हारा फायदा अल्लाह का जिक्र करने से। क्या फायदा है? एक फायदा तो यह है क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला की जिक्र इबादत है और जितना आदमी जिक्र करेगा उतना ही उसके अजर सवाब में इजाफा होगा, उसके नामे अमाल के अंदर नेकियां लिखी जाएंगी, आखिरत में उसका अजर मिलेगा। ये तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा खुद इस दुनिया में ये होता है कि जिक्र वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इंसान को बुराइयों से, गुनाहों से, जराइम से, बद अखलाकियों से रोकती है। जब अल्लाह का जिक्र दिल में समा जाता है तो फिर गुनाह नहीं होते। गुनाह करने वाला गुनाह क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि जिस वक्त गुनाह कर रहा होता है उस वक्त अल्लाह ताला की याद उसके दिल में नहीं, अल्लाह ताला का जिक्र उसके दिल में नहीं रहा। चोर चोरी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि उस जिस वक्त चोरी कर रहा है उस वक्त उसको अल्लाह ताला का ध्यान नहीं है। अल्लाह ताला का ध्यान होता तो चोरी करना कर। रिश्वत लेने वाला रिश्वत ले रहा है तो क्यों ले रहा है? इस वास्ते के उसको अल्लाह ताला का ध्यान नहीं है। ये ध्यान नहीं है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरे हर अमल को जांच रहा है, मेरे हर अमल को मुझे अपने अल्लाह ताला के सामने जाकर जवाब देना है, इस बात का कोई ध्यान नहीं। तो इस वजह से गुनाह कर सकते। जितने जराइम होते हैं ना, जितने गुनाह होते हैं, जितने जराइम होते हैं, जितनी हक तलफियां होती हैं, नाइंसाफियां होती हैं, उनके पीछे अगर देखो तो वाहिद सबब ये नजर आएगा कि अल्लाह को भूल गए। जब आदमी के जहन में अल्लाह होता है तो फिर वो उसको गुनाहों से रोकता है, गुनाहों से बचाता है। रिवायात में आता है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, तो मदीना मुनव्वरा में गश्त किया करते थे लोगों के हालात मालूम करने के लिए। गश्त किया करते थे, अमीरुल मोमिनीन हैं, आधी दुनिया पर तकरीबन आधी दुनिया पर हुकूमत थी हजरत फारूक आजम रजील्ला तआला, उसके हाकिम हैं और खुद गश्त कर रहे हैं बराह रास्त मदीना मुनव्वरा की बस्ती का कि कौन क्या कर रहा है। तहज्जुद पढ़ के फजर से पहले गश्त कर रहे हैं, एक मकान के पास से गुजरे तो वहां कुछ आवाज आ रही थी,
दो औरतों की, और वो दो औरतें आपस में मां बेटी थी। तो मां बेटी से कह रही थी कि बेटी, दूध जो हमने निकाला है अपने बकरियों का या गाय का, उस दूध के अंदर कुछ पानी मिला दो ताकि वो ज्यादा हो जाए। तो बेटी ने जवाब में कहा कि अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन का हुक्म आया है कि कोई दूध में पानी न मिलाए, मिलावट न करे, पानी की मिलावट न करे दूध। ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है। तो मां बेटी से कहती है कि बेटी, अमीरुल मोमिनीन यहां कहां बैठा है जो देख रहा हो? अमीरुल मोमिनीन यहां कहां होगा कि जो हमें देख रहा हो? तुम मिला दो पानी, उसको पता भी नहीं चलेगा अमीरुल मोमिनीन को कि क्या पानी, किसने पानी मिलाया, किसने नहीं मिलाया। तो उसके जवाब में बेटी कहती है कि अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन तो नहीं देख रहा, मगर अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह को देख रहा है। ये गुफ्तगू सारी फारूक आजम रजानो बाहर सुन रहे हैं। मां बेटी वो कह रही है कि मोमिन कहां देख रहा होगा, कहां उसको पता चलेगा, और मोमिन बाहर खड़ा है और देख रहा है। सुबह को अगले दिन जाकर फारूक आजम मुझे अल्लाह तआला ने मालूम कराया ये कौन मां बेटियां हैं। आखिरकार जब मालूमात हो गई तो अपने बेटे से उस बेटी का रिश्ता गया, तो मैं अपने बेटे का निकाह इस बेटी से करना चाहता हूं जो रात के अंधेरे में फजर से पहले वो उसके दिल में अल्लाह की याद ऐसी समाई हुई है कि वो कह रही है कि अल्लाह तो देख रहा है। तो ये ऐसी मुत्तकिया है कि हर वक्त इसके दिल में अल्लाह का जिक्र है, हर वक्त अल्लाह ताला की याद है। तो मैं अपने बेटे से उसका निकाह करूं। बेटे से निकाह किया और इन दोनों फारूक आजम के बेटे और उस बेटी के नतीजे में इन्हीं की नस्ल से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो पांचवें खलीफा राशिद कहलाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं की औलाद में थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की याद जब दिल में समा जाती है तो वो इंसान को के दिल पर पहरा बिठाती है गुनाहों का। आम तौर पर पहरा होता है पुलिस का, थाने का, दिन के वक्त में पुलिस पहरा देती है, लोग उसके खौफ से जराइम से बाज रहते हैं। लेकिन रात की तारीकी में, जंगल की तन्हाई में, वहां अल्लाह, वहां दिल पर पहरा देने वाली चीज अगर कोई है तो वो अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह ताला का ध्यान है। तो ये वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला के ध्यान दिल में है, तो उसके नतीजे में इंसान इंशाल्लाह गुनाहों से महफूज रहेगा, ना इंसाफियों से महफूज रहेगा, लोगों की हक तलफी से महफूज रहेगा। इस जिक्र के लिए ये कसरत से जिक्र करो। इसका कुछ तरीका एक तो यह है कि जो अल्लाह ताला के अज़कार हैं वो पढ़े जाएं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तीसरे कलिमे में ये सारे जिक्र जमा है। इसको आदमी कसरत से पढ़े, चलते फिरते उठते बैठे। और एक हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को ने नसीहत करने के लिए फरमाया था, अर्ज किया था कि रसूल मुझे को नसीहत कीजिए, तो आपने जवाब में फरमाया था कि अल यकून लिसान का रतबम बिज़िक्र अल्लाह, तुम्हारी जबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र में से तर रहे। तो चलते फिरते उठते बैठते आदमी दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, फजूल बातें इधर उधर की, तो उन बातों के सोचने के बजाय आदमी
जबान से जिक्र करें, जबान पर चलते फिरते जिक्र रहे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहू अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दुरूद शरीफ, जो जिक्र भी जबान पर आ जाए वो उसकी आदत डाले कि खाली औकात में खाली काम खाली न रहे, जबान चल जबान अल्लाह के जिक्र से तर रहे। बाब लोग ये समझते हैं और कहा भी जाता है कि भाई ऐसे जिक्र से क्या फायदा कि जबान से तो जिक्र हो रहा है, जबान से जबान तो जिक्र कर रही है और दिल में इधर उधर के ख्यालात आ रहे हैं, अल्लाह ताला की तरफ ध्यान तो कोई है नहीं, तो ऐसे जिक्र से क्या फायदा। बल्कि फारसी का शेर भी पढ़ा जाता है आमतौर पर, कहा जाता है फारसी में किसी ने कहा था कि बर जबां तस्बीह बर जबां तस्बीह हो दर्दिल गाओ खर ई चुनी तस्बीह कै दारद असर, कि जबान पर तो तस्बीह हो यानी सुभान अल्लाह कह रहा हो आदमी और दिल में गाय और गधे का ख्याल आ रहा हो तो ऐसी तस्बीह का क्या फायदा। ये कहने वाले ने शेर में ये बात कही है। हकीम उल उम्मत हज़रत अखंड अशरफ़ साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये किसी ऐसे शख्स ने कही है जिसको हकीकत का पता नहीं। अरे सिर्फ जबान भी अगर जिक्र कर रही हो, चलो दिल में ख्याल आ रहा हो, तब भी वो तस्बीह बेअसर नहीं। वो कहते मैं तो ये कहता हूं कि बरजबा तस्बीह हो दर्दिल गावखर इंचनी तस्बीह हम दारद असर, यानी ये तस्बीह भी असर से खाली नहीं, कम अज कम तुम्हारे जिस्म का एक उज्व तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल है, वो जबान ही सही एक तुम तो मशगूल है, लिहाजा उसको बेकार न कर। और कुतबुल इरशाद हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो फरमाते थे कि अल्लाह का जिक्र कितनी ही बेगफलत और बेज्ञानी के साथ किया जाए अपना असर छोड़े बगैर नहीं रहता। अल्लाह का जिक्र कितनी ही बेज्ञानी के साथ किया जाए अपना असर छोड़े बगैर नहीं रहता, लिहाजा इसको कुछ मामूली बात न समझे जबान से जिक्र को भी। और अगर दिन में कुछ मामूलात मुकर्रर कर लें कि भाई फजर के बाद थोड़ा सा वक्त कुरान करीम की तिलावत, सबसे आला जिक्र जो है कुरान करीम की तिलावत, फजर के बाद थोड़ी सी तिलावत कर ली और कुछ तस्बीहात सुभान अल्लाह हमदी सुभान अल्लाह अज़ीम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह दुरूद शरीफ, ये चार तस्बीह है रोजाना सुबह को फजर के बाद तिलावत करके पढ़ने का मामूल बना लें और फिर आदत ये डालें कि चलते फिरते कोई ना कोई जिक्र जबान हो, जो भी जबान हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आदत, उसको चलते फिरते पढ़ने की आदत डालें तो उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा का पहला तरीका यह है कि अपनी जबान को तर रखें अल्लाह ताला के जिक्र से, वो कोई लम्हा अल्लाह ताला के जिक्र से खाली ना रहे। और भी कुछ तरीके हैं अल्लाह ने जिंदगी दी तो और मौका था फरमाया तो आगे अगले जुमा में इंशाअल्लाह मैं या अगले बयान व्यक्त करूंगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे, चलते फिरते उठते बैठते इधर उधर की बातें करने के बजाय अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाले। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।